लास्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 9 का लाइन एंड एंगल्स, उसमें सिर्फ 6.1 आ रही है, 6.2 और 6.3 इस बार के सिलेबस में डिलीट है तो हम भी नहीं करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है ये भी, हीरोज फॉर्मूला। ये ऑलरेडी छोटा है, फिर इसको सीबीएसई वालों ने और छोटा कर दिया, मतलब 12.1 जो है सिर्फ हीरोज फॉर्मूला आ रहा है, उसके बाद का जो 12.2 एक्सरसाइज है वो आपकी नहीं आ रही। तो मैंने सोचा पहले इसको ही करा, क्योंकि इस पर 2-3 वीडियो बनेंगे, एक इंट्रोडक्शन और 2 या 3 वीडियो, आपके 2 वीडियो में मान लो कि हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन हीरोज फॉर्मूला चैप्टर नंबर 12 क्लास 9। तो सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते, भारत माता की जय। देखो सबसे पहले हीरोज फॉर्मूला जो नाम पढ़ा, ये कोई नाम नहीं पढ़ा, ये इसका नाम ही था हीरोज, है ना, ये मैथमेटिशियन था। और ये जो पैदा हुआ था, इसकी जो बॉर्न है, ये है अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट के अंदर है ये, एडी 10 के अंदर। इसी के नाम से एक फॉर्मूला रखा गया था जिसका नाम था हीरोज फॉर्मूला। जैसे एरिया ट्राइंगल 6, 7, 8, 5 में हम पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। अब अगर हम हीरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स के फॉर्मूले देखें तो एबीसीडी आपको तीन साइड दे रखी होगी, और सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, मतलब हाफ पेरीमीटर। तो ये होगा तीनों साइडों का सम अपॉन 2, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब इसका हीरोज फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। अब आपका जो एक्चुअल हीरोज फॉर्मूला है ना वो ये है, एस एस आपका क्या है, हाफ पेरीमीटर, मतलब सेमी पेरीमीटर। एस माइनस ए ये आपका सेमी पेरीमीटर में से आप एक साइड माइनस करोगे, दूसरी साइड माइनस करोगे, तीसरी साइड माइनस करोगे। मेन फॉर्मूला जो है ना हीरोज फॉर्मूला का वो ये है, जो हम पूरी एक्सरसाइज 12.1 में यूज करने जा रहे हैं। ये अब जो मैं आपको थोड़ा सा 5 से 10 मिनट पढ़ाऊंगा, ये बिल्कुल बेसिक है, जो आप क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं। देखना, लेट फर्स्ट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हम एरिया की बात करें तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। हाइट, ऊंचाई की बात करें तो ये क्या होता है, 3/2 इंटू साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट वाले में अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप पेरीमीटर देखो ना, 3 × साइड 3 × साइड होती है, ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये भी एक बार देख लो, छोटी छोटी क्लासेस में आप 6, 7 पढ़ चुके हैं, बस एक बार रफली देख लो, याद कर लो। रेक्टेंगल क्या होता है, देखो रेक्टेंगल के अंदर आपकी दो साइड होती है, एक तो आपकी लेंथ है ना, ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो ऑपोजिट साइड क्या होती है इसके अंदर, इक्वल होती है, तो ये भी एल हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, तो ये रेक्टेंगल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का 2 × L + B और एरिया का L × B, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सब चीज आप पहले पढ़ चुके हो। स्क्वायर का क्या होगा, ये साइड और ये साइड और ये साइड, चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और इसमें भी चारों एंगल क्या होंगे, 90, और इसमें भी चारों एंगल 90 होते हैं, ठीक है ना, और पैरेलल भी होंगे। दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, इसमें इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर, ओके। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 4 × साइड, एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, एक एरिया का ये भी फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। नेक्स्ट चलो अब दो कॉन्सेप्ट और देख लो छोटे छोटे से, राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। तो एबीसी आपका राइट ट्राइंगल होता है, इसी पर आपका पाइथागोरस थ्योरम बनती है, और पाइथागोरस थ्योरम में ट्रिपलेट्स बनते हैं, पढ़ा था ना पहले। तो एबीसी आपका राइट ट्राइंगल है, बी आपका 90 डिग्री पर है, पेरीमीटर क्या होता है, एबी प्लस बीसी प्लस एसी, तीनों का सम, तीनों साइड्स का सम, और इसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेसी आपका बीसी है और हाइट आपकी एबी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, आपकी दो साइड्स बराबर होती है, तो एबी और एसी दो साइड बराबर है, और a/2 a/2 ये क्या पूरा आपका a है, बट इसको अगर पार्ट में डिवाइड करें दो पार्ट में तो ये a/2 और a/2 हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है इसका, तीनों साइड्स का सम, ठीक है, a प्लस bc प्लस c है, तो 2x इसलिए आया क्योंकि x प्लस x और ये पूरा a हो जाएगा। एरिया क्या होता है इसका, बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना आपका a पूरा और हाइट कितनी इंटू x स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, ये आपको बस ध्यान रखना, ये पहले भी पढ़ चुके थे। ये इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल बेटा।